नमस्कार दोस्तों, आज नेपाल और भारत के बीच में एशियन गेम का मुकाबला था। हालांकि इस मुकाबले को नेपाल जीत नहीं सका, लेकिन फिर भी नेपाल ने 3-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, मैच हारने के बावजूद 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, क्योंकि नेपाल ने जो प्रदर्शन भारत के खिलाफ किया वो एकदम गजब का था। और इसीलिए सभी क्रिकेट लवर्स प्यार जरूर दिखा रहे नेपाल के क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन ही कुछ ऐसा ही था मैच में। रीजन ये था कि 203 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, उससे मैच पूरी तरीके से दो तरफा ही लग रहा था। एक समय पे ऐसा भी लग रहा था कि भारत के हाथ से मैच निकल जाएगा, क्योंकि नेपाल के बल्लेबाज जिस तरीके से चौके और छक्के जड़ रहे थे, उससे भारत भी परेशान हो गया था और भारतीय टीम को भी लगने लगा था कि ये मैच हाथ से निकल ना जाए। लेकिन फिर किसी तरीके से इंडियन टीम ने 23 रनों से जीत अपनी दर्ज की, जो कि काफी क्लोज विन थी, और इसीलिए पूरे क्रिकेट जगत में इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन इससे अलग हटके नेपाल की क्रिकेट टीम ने आज का मैच हारते हुए भी 3-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। पहला रिकॉर्ड है किसी भी एसोसिएट टीम द्वारा छक्के लगाने का किसी भी फुल टाइम मेंबर टीम के खिलाफ, यानी कि नेपाल ने भारत जैसी फुल टाइम मेंबर टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं आज तक हिस्ट्री में। यानी कि दम तो है नेपाल के खिलाड़ियों में, और नेपाल ने इस मैच में भारत के खिलाफ 14 छक्के जड़े और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले ये रिकॉर्ड नीदरलैंड के पास था, जिसमें 13 छक्के शामिल थे। दूसरा रिकॉर्ड बना इंडिया के खिलाफ किसी भी एसोसिएट टीम द्वारा सबसे ज्यादा स्कोर का। दोस्तों, 203 लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने 179 रन 9 विकेट के नुकसान 20 ओवरों में बनाए, जो कि आज तक की का किसी भी एसोसिएट टीम का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था। इससे पहले ये रिकॉर्ड 152 रन का हुआ करता था, जो कि हांगकांग का था, लेकिन अब ये नेपाल के नाम है। वहीं इस मैच के जरिए तीसरा रिकॉर्ड बना दीपेंद्र सिंह एरी के नाम, जिन्होंने बिना कोई चौका लगाए एशियन गेम में कुल 13 छक्के लगाए, जो कि आज तक की का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने 4 छक्के जड़े भारत के खिलाफ, 1 छक्का जड़ा मालदीव के खिलाफ, साथ साथ 8 छक्के जड़े मंगोलिया के खिलाफ, जिसके बाद ये कुल 13 छक्के हो गए। और इसी के साथ उनका रिकॉर्ड बन गया बिना किसी चौके के 13 छक्के लगाने का किसी भी T20 इंटरनेशनल्स में। तो ये थे वो रिकॉर्ड जो कि नेपाल ने अपने नाम किए, और कुछ ऐसे ही नेपाल ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए इस मैच को हारते हुए भी। और इसीलिए पूरी दुनिया में नेपाली क्रिकेट टीम की सराहना हो रही है एशियन गेम्स में जैसा प्रदर्शन किया नेपाल के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने। और उनके प्रदर्शन को देख के लगता है कि बहुत जल्द नेपाली क्रिकेट टीम काफी उभरने वाली है और काफी आगे जाने वाली है। आपकी क्या है इस पर राय, और आपको कौन सा लगा सबसे फेवरेट वर्ल्ड रिकॉर्ड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NINews वेस्ट शिवम।